एक राजा थे मैया, नाम था हरिश्चंद्र, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। बहुत बड़े राजा थे, कोई कमी नहीं थी राज सिंहासन में, उनके खजाने में प्रजा का बड़ी प्रसन्नता से हरिश्चंद्र पालन करते थे। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा कि स्वप्न में उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया है। सवेरे दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी सवेरे एक ऋषि आए और वो ऋषि को श्री हरिश्चंद्र ने पूरी संपदा पूरा राज्य दान कर दिया। महाराज मैंने सपने में दिया है तो सपने मैं दे तो दिया ही ना, इसलिए मैं दी हुई वस्तु रखता नहीं हूं, आप लीजिए। संत जी ने ले लिया। संत ने कहा भाई हम तेरी दान तो ले लिए हैं। राजा ने भोजन कराया, भोजन के बाद संतों ने कहा दक्षिणा। राजा ने कहा मैंने तो सारा दे दिया। बोले नहीं वो तो तुमने दान दिया अपनी मर्जी से, सपना देखा इसलिए, हम खाए हैं तुम्हारे घर तो दक्षिणा नहीं दोगे। दक्षिणा कहां से लाएं, अब तो सब दे चुके, अब तो कुछ भी नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र सब छोड़कर अपनी पत्नी तारा को लेकर, अपने पुत्र रोहित को लेकर बाजार में चले काम ढूंढने के लिए, के संतों की दक्षिणा एक महीने का समय मांगा, बाजार में काम ढूंढने चले। संतों ने कहा कि हमारे राज्य में तुम काम नहीं ढूंढोगे। तब काशी पहुंचे और काशी में काम मांगा, कोई काम ना मिला। 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, आज महीने का आखिरी दिन था और 1 रुपए की व्यवस्था नहीं थी और देना था संतों को, कुछ स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, दक्षिणा के तौर पर देना था। तब पत्नी तारा ने कहा स्वामी जी आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते। हरिश्चंद्र बोले देवी आप जैसी सुशील पतिव्रता नारी को मैं बाजार में बेचूंगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। तारा ने कहा महाराज पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए आप पत्नी की नहीं धर्म की रक्षा कीजिए। हरिश्चंद्र बोले मैं कैसे तुम्हें बेच दूं, गंगा जी सामने है, चलो गंगा जी में कूद करके हम प्राणों का बलिदान दे देते हैं। पत्नी ने कहा आत्महत्या करना समाधान नहीं। भरी बाजार में तारा ने आवाज लगाई कोई मुझे खरीद लो। लोग आए, मूल्य लगाया, अंत में एक व्यक्ति आए 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर तारा को खरीद लिया। पुत्र रोहित पकड़कर मां से लिपट कर रोने लगा, मां मुझे छोड़कर कहां जा रही हो। जिसने खरीदा उसने कहा ये कौन है। बोले महाराज अभागिन का बेटा, मेरा बेटा रोहित है, इसे भी खरीद लीजिए। 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बच्चे को भी खरीद लिया। खरीदने वाले ने घर ले जाकर खूब काम कराया, बर्तन धुलवाए, झाड़ू लगवाई, भट्टी पर कोयला डलवाया, पानी कुएं से निकलवाया, क्या क्या ना करवाया बताओ। एक रानी आज कुएं से पानी भर रही है, जिनकी सैकड़ों दासियां साथ में हुआ करती थीं, आज समय ने उन्हें पानी भरने पर मजबूर कर दिया। बताइए ये तारा आज दूसरे के घर में झाड़ू पोंछा कर रही है किसके लिए, जोर से जोर से और जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए? अरे हरिश्चंद्र चाहते तो कह देते कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, सारा राज्य तो दे दिया, तो साधु संत क्या कर लेते। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ना जाए। पत्नी बिक गई धर्म के लिए, झाड़ू पोंछा करती है धर्म के लिए। अब हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई और डॉम ने उन्हें खरीदा। हरिश्चंद्र को 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली और टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं सूर्य अस्त होने के पहले हरिश्चंद्र ने संतों के चरणों में रखी। महाराज ये आपकी दक्षिणा, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया,
काशी के घाट में गंगा के तट पर, वहां पर वो डॉम मुर्दे जब जलने आते तो उनका कफन लेकर टैक्स लेते और जलने की परमिशन देते। ये काम उनके मालिक ने डॉम ने हरिश्चंद्र को दिया। यहां तक ही बात नहीं रुकी, एक दिन हरिश्चंद्र के बेटे रोहित जो बगीचे में पुष्प तोड़ने गए थे, सांप ने डस लिया और सांप के डस लेने से उनकी मृत्यु हो गई। तारा दौड़ी दौड़ी गई, पुत्र रोहित कहां हो, पुत्र कहां हो। उस तड़पते हुए रोहित ने आवाज लगाई, मां, 5 साल का ही तो था, मां मां। तभी मुसाफिर किसी व्यक्ति ने सुना, कोई पुकार रहा है, बेटा तुम कौन हो। मेरी माँ का नाम तारा है, पास में ही काम करती है माँ, मेरी माँ को सूचित कर दो कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, ये तारा कौन है। निकल कर आई, महाराज मुझे तारा कहते हैं, बताइए। अरे तुम्हारे बेटे को बगीचे में सांप ने डस लिया, पुष्प वाटिका में। दौड़ती हुई दौड़ी, दौड़ती हुई चली, जैसे ही दौड़ी घर से निकली तो जिसने खरीदा था तारा को रोक लिया, खबरदार यहाँ अभी घर में झाड़ू पोछा बाकी है, घर में काम बाकी है, पहले काम कर लो फिर जाना। तारा ने कहा, भैया मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। उस व्यक्ति ने निर्दयता से कहा, ये तो तुम्हारे बहाने हैं, चलो पहले काम करो। बेचारी पुत्र को सांप ने डसा है और वो अपने पुत्र को देख भी नहीं सकती, बंधन में बंधी है। किसके बंधन में? धर्म के बंधन में। घर का झाड़ू पोछा किया, सवेरे से शाम तक उस व्यक्ति ने उलझाए रखा काम में। शाम हुई, रात हुई, सब सो गए, तब रात को गई बगीचे में। तब तक रोहित तो मर ही चुका था, अपनी साड़ी का एक छोर फाड़कर बच्चे को उढ़ाया, कफन भी नहीं नसीब हुआ, और लेकर के चली के इसे कम अंतिम संस्कार तो इसका कर दूं। और जब चली तो संयोग वश उसी शमशान पहुंची जहां पर उनके पति हरिश्चंद्र पहले से ही वहां मौजूद थे। आधी रात को तारा रो रही थी, हे विधाता, कभी मेरे पति मुझे मिलेंगे और पूछेंगे कि रोहित कहां है, मैं क्या उत्तर दूंगी। ये बात जब हरिश्चंद्र ने सुनी तो उन्हें लगा, ये रोहित तो मैंने जाना पहचाना नाम, देवी तुम कौन हो। महाराज मैं अभागिन हूं, मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया। तो हरिश्चंद्र ने पूछा, इस पुत्र का पिता कहां है। बोले, महाराज पता नहीं कहां चले गए, मैंने तो अपने आप को बाजार में बेच दिया था, उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। हरिश्चंद्र समझ गए, ये तो तारा है। अरे देवी, क्या तुम रोहित की माँ हो। हाँ महाराज। क्या आप हरिश्चंद्र हैं। हाँ। अब शमशान में दोनों का मिलन हुआ, पर दोनों इस स्थिति में वर्षों बाद मिले कि दोनों की शक्ल, दोनों का हुलिया बदल चुका था। हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा रोने लगी, महाराज आपकी ये हालत, पुत्र का मरना भूल गए। तारा तो पति का ये हाल देखकर रोने लगी। पत्नी ने कहा, ये आपके पुत्र की मैं रक्षा ना कर पाई, आप अपने हाथ से अंतिम संस्कार इसका कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी यदि इसका अंतिम संस्कार करना है तो इसका जो यहाँ का टैक्स है, जो मेरे मालिक ने निर्धारित किया है, वो आपको देना पड़ेगा। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, ये आपका पुत्र है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरा पुत्र है, लेकिन मैं अभी आपका पति नहीं हूँ, मैं बिका हुआ व्यक्ति हूँ, 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक चुका हूँ, इसलिए यहाँ के नियम मुझे पालन करने पड़ेंगे। और हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, यदि कुछ नहीं दे सकती हो तो गंगा जी में अपने बेटे को बहा दो, यहाँ पर यदि जलाना है या गाड़ना है तो यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। इस स्थिति में हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तभी पत्नी रोने लगी
और अपने पुत्र को गंगा जी में जब विसर्जित करने लगी तब विधाता को रहा ना गया। जिन विधाता ने परीक्षा ली धर्म की वो स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र, आपने अपने धर्म की परीक्षा दी और पास हो गए। आपने हर परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा की। आप बिक गए, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, पर आपने अपना धर्म अपना सत्य नहीं छोड़ा। तब हरिश्चंद्र का राज्य उन्हें वापस दिया गया। जो उनकी स्थिति थी वही स्थिति उनकी हुई। भगवान ने कहा कि युगों युगों तक आपका नाम अमर हो जाएगा, युगों युगों के लिए। हरिश्चंद्र की ये कथा हमें ये बताती है कि जीवन में धर्म ना छूटे। किसी भी हाल में हमारी पहचान हमारा धर्म है। अच्छा, धर्म क्या चीज है जरा ये समझो, बताइए, किसी की हत्या करना धर्म है या अधर्म है? जोर से, मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है आपका? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? अच्छा बच्चे वहां चले गए, सुनो, अच्छा ये बताओ, किसी की हत्या करना धर्म है या अधर्म? अधर्म। तो बकरे की हत्या करना धर्म है या अधर्म? मुर्गे की हत्या करना धर्म है या अधर्म? मछली की हत्या करना धर्म है या अधर्म? जोर से, अधर्म है। तो आप में से कितने लोग ये अधर्म करते हैं? धर्म क्या है? किसी के प्राणों की रक्षा करना धर्म है और किसी के प्राणों को ले लेना, किसी की जान ले लेना अधर्म है। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि किसी भी स्थिति में धर्म ना छोड़ा जाए। धर्म किसी की हत्या करना नहीं बल्कि किसी के प्राणों की रक्षा करने का नाम धर्म है। किसी की हत्या करने का नाम धर्म नहीं है, किसी के प्राणों की रक्षा करना सीखिए, हत्या करना ना सीखिए। बताइए, दया करना धर्म है या नहीं? दया धर्म का मूल है ना? सबसे बड़ा धर्म है दया। लेकिन आज लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपने स्वाद के लिए आप बकरे को मार डालते हैं, मुर्गे को मार डालते हैं, मछली को मार डालते हैं और पका कर खा लेते हैं। क्या ये धर्म है? अच्छा बताओ, बिहार में भरपेट खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल काजू बादाम है या नहीं? पर्याप्त मात्रा में दाल चावल सब्जी रोटी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? है तो हाथ उठा के बताओ, है? पेट भरने के लिए है? तो फिर कुछ लोग जो बकरा मछली मुर्गा मांस खाते हैं, क्या इनका मांस खाना सही है? बोलो। किसी की हत्या आप केवल इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगता है मांस खाना। अरे भाई, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना सही नहीं है और ये हमारा धर्म नहीं है। हम सनातनी हैं, हम किसी के प्राणों को हरते नहीं बल्कि संकट में किसी के प्राण हो तो उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहां चींटी को दाना डालने की परंपरा है, मछली को दाना डालने की परंपरा है। किसी की हत्या स्वाद के लिए करना सही हो सकता है? मैं जब एयरपोर्ट से दरभंगा से जब मैं यहां आया तो मैंने दरभंगा में ही देखा, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर सड़क में
बकरे लटक रहे थे, उसका सिर जस का तस था, आंखें बाहर थी, जीभ लटक रही थी, चमड़ा निकाल दिया गया था, सिर साबूत था। सोचो, और वो बकरी के बच्चे थे। मुझे बताओ, क्या उसे मारते समय उसे दर्द नहीं हुआ होगा? बोलो, जब आप किसी बकरे की हत्या करते हैं तो क्या उसे दर्द नहीं होता? होता है या नहीं? होता है। तो बताइए, क्या आज के इस युग में जहां धर्म है, क्या इस युग में आपका किसी मूक जीव को मार देना सही है? इसलिए मेरे भारतवासियों, अज्ञान में ना जिया करो। खाना है तो दाल चावल सब्जी रोटी खाओ। हम भी खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, भरपेट खाते हैं। खाने की हमारे यहां कमी नहीं है। हमारे देश में 56 भोग हैं, किसी की हत्या नहीं। ये पाप का दंड भोगेगा कौन, कभी सोचा है आपने? किसी की हत्या करना कितना बड़ा पाप है। सोचो, आप किसी का मर्डर कर दो तो हमारे देश का कानून उसे मर्डर के केस में जेल में डालता है कि नहीं? हाँ या ना? आप किसी का मर्डर करते हैं तो आपको आजीवन कारावास मिलता है, सारी जिंदगी जेल में रहनी पड़ती है। जब इंसानों को मारने से यहाँ की सरकार, यहाँ का कानून दंड देता है, तो भगवान के बनाए जीवों को आप मारेंगे तो क्या भगवान का कानून आपको दंडित नहीं करेगा? यहां के कानून से शायद कोई बच भी जाए, पर वहां के कानून से, ईश्वर की नजरों से बच पाना बड़ा कठिन है। इसलिए किसी की हत्या ना करो। हमने सुना है बिहार में मंदिरों में भी बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, कुछ कुछ मंदिरों में, आपके शादी आदि में भी, बच्चों के जन्मदिन में भी। किस किस के यहां ऐसी परंपराएं हैं, हाथ उठाओ, कि बच्चे के जन्मदिन में, बच्चे के जन्म होने पर शादियों में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, हाथ उठाओ। किस किस के यहां ये परंपराएं हैं आज भी हैं? बताओ, ये परंपराएं सही हैं या गलत हैं? आप अपने विचार से सोचिएगा, किसी की हत्या करना जायज कैसे हो सकता है, सही कैसे हो सकता है? हत्या करनी है, अरे मारना ही है, तो बकरे को क्यों, मुर्गा और मछली को क्यों? मारना ही है तो अपने अभिमान, अपने अहंकार को मार दीजिए, अपने क्रोध को मार दीजिए। देवी के आगे बलि चढ़ानी है तो स्वयं की बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। क्या आपके अंदर बुराइयां नहीं है? हैं तो उन बुराइयों की बलि क्यों नहीं चढ़ाते, बकरे की क्यों? और किस देवी ने बकरे की बलि मांगी? किसी वेद में, किसी पुराण में बकरा बकरी की बलि का नहीं लिखा। आप जो किसी की हत्या करते हैं देवी देवताओं के नाम पर, वो सब गलत कर रहे हैं। वेद में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे वेद कहां से शुरू होते हैं? अहिंसा ही परमो धर्मः की बात से। जहां अहिंसा मतलब, हिंसा मतलब हत्या करना, और अहिंसा मतलब हत्या ना करना। किसी की हत्या हमसे ना हो, किसी का दिल हमसे ना दुखे, यही हमारा धर्म है और यहीं से वेद शुरू होते हैं। अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की हत्या करना सही नहीं हो सकता ना। इसलिए आप लोग यदि ये सब गलत काम, मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं, तो आप आज से ही इस बुराई से बचिए, क्योंकि ये पाप है। अपने स्वाद के लिए ना ये अत्याचार करो उन जीवों पर जो मूक हैं, अत्याचार है। धर्म है हमारा सबकी रक्षा करना, सबकी सेवा करना। हमारे यहां प्यासे को पानी पिलाया जाता है, हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हम जीव मात्र की सेवा करने वाले लोग हैं, किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं?
हमारे यहाँ दया है, दया जिसके अंदर दया होती है ना वो कभी हत्या नहीं करता। हरिश्चंद्र जैसे परम सत्यवादी राजा बिक गए, धर्म नहीं छोड़ा।